नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर और आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अभी कुछ देर पहले एक अपडेट आया YouTube की तरफ से कि दोस्तों कुछ दिन बाद क्लासिक स्टूडियो जो बीटा वर्जन है वो आने वाला है और क्लासिक स्टूडियो हटने वाला है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो उसी टॉपिक पर आधारित आज का हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों क्लासिक स्टूडियो जो है वो चलाना काफ़ी आसान हो रहा था सबके लिए, मगर अभी क्या हो गया दोस्तों कि कुछ दिन पहले की बात है कि अभी मैं बीटा वर्जन को ओपन ही कर रहा था कि उसमें शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आप शायद नहीं समझ पाओगे अगर आप एक यूट्यूबर वगैरह हो तो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को आपको दूर करने वाला हूँ और आप कैसे मोनेटाइजेशन स्टेटस वगैरह और वॉच टाइम एनालिटिक्स को कैसे आप चेक कर सकते हो YT स्टूडियो बीटा में। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि मोबाइल में ये खुल नहीं रहा, तो उसको कैसे खोलें या नहीं खोलें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं आज अब इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूँगा। तो दोस्तों आपको मैं सीधे मोबाइल स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं खुलता है, कैसे वर्क करता है या नहीं करता। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र इस तरह से ओपन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब। तो जैसे दोस्तों मेरा यूट्यूब यहाँ पर सर्च हो रहा है, देख सकते हो आप, मेरा थोड़ा स्लो है दोस्तों। फिर आपको सिंपली डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है यहाँ पर। जैसे ही डेस्कटॉप साइट ओपन करो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह खुलने लगेगा जैसे लैपटॉप में खुलता है। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है माय चैनल के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको माय चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा माय चैनल भी खुल चुका है। तो दोस्तों माय चैनल खुलने के बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा बीटा वर्जन ओपन हो चुका है। और सॉरी, तो सिंपली यहाँ आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और ये यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही वीडियो मैनेजर पे क्लिक कर लेते हो आप, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों अब हमारा बीटा वर्जन ओपन हो ही रहा है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा बीटा वर्जन ओपन हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा क्रिएटिव स्टूडियो इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हमारा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों अब हमको करना क्या, अपना मोनेटाइजेशन स्टेटस यहाँ पे बीटा स्टूडियो में कैसे चेक करें, हमको यही टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे देखना, सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे दोस्तों, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हमने बहुत मेहनत करके ये सॉल्यूशन हमने खोजा है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ब्राउज़र टाइप का यहाँ पे खुल जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस तरह से। दोस्तों आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है। गाइस जैसे ही आप यहाँ पे बैक आ जाते हो, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली बैक आ जाते हो। उसके बाद अगर हम मोनेटाइजेशन के स्टेटस पे क्लिक करते हो तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा मोनेटाइजेशन स्टेटस भी मैं दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिंपली आपको फिर अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए, स्टेटस एंड फ्यूचर, तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। फिर से आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसलेशन फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे और सिंपली आप बैक आ जाते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बैक आ जाते हैं और फिर से यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं स्टेटस पे तो ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस हमारा दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत जो यहाँ पे YT स्टूडियो मतलब स्टूडियो बीटा में जो प्रॉब्लम है वो क्लासिक स्टूडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसकी सेटिंग जो वो अलग है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ सेटिंग इसमें अलग है नहीं, लेकिन फिर भी ये ब्राउज़र भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जिस टाइम ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी खामी या प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्लासिक स्टूडियो को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही बीटा वर्ज़न की बात दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप क्लासिक वर्ज़न की बात करें तो उसमें सेटिंग बिल्कुल अलग है दोस्तों।
और दोस्तों मोबाइल से जो यहाँ पे क्लासिक वर्जन में जाने का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कोने पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कोने पे जो वर्जन, जैसे ही आप इसमें स्किप करते हो तो यहाँ पे मतलब क्लासिक स्टूडियो में जाने का ऑप्शन है, वो लैपटॉप पे तो खुल रहा है लेकिन मोबाइल पे नहीं खुल रहा। इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं जल्दी आपके सामने लाऊँगा, तो दोस्तों अभी तो मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं बता सकता। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहोगे अपना एनालिटिक्स तो यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एनालिटिक्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस ऑप्शन वाले पे क्लिक करके। तो दोस्तों मैं एनालिटिक्स भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा एनालिटिक्स चेक हो रहा है जस्ट उसी टाइम में, यहाँ पे देख सकते हो सर्च हो रहा है। यहाँ पे बीटा वर्जन थोड़ा सा स्लो भी नज़र आ रहा है क्रिएटर स्टूडियो के सामने या दोस्तों क्लासिक स्टूडियो के सामने, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये सारा चीज़ वॉच टाइम एनालिटिक्स सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीटा वर्जन आप यूज़ अगर नहीं करते तो अभी तो क्लासिक वर्जन यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें चेक करना है, इसमें कुछ सीखना है दोस्तों, तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो मोनेटाइजेशन से, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों मोबाइल पे आप अपने बीटा वर्जन में मोनेटाइजेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने ज़रूरतमंदों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।